भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले 14 और 19 के लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होने वाली है। अपने ही लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने ही लोगों का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैडर, एमपी और विधायक रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर का ले लीजिए। वहां पर अजय निषाद दो बार से बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वजह थी, टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो ऐसे हालात में वहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्या बीजेपी मुजफ्फरपुर की सीट लूज कर जाएगी? क्या इस बार जो है बीजेपी मुजफ्फरपुर से चुनाव नहीं जीतेगी, इसलिए कि पिछली दो बार से जो चुनाव जीत रही है या उससे पहले, यानी अजय निषाद की मेहरबानी हो बीजेपी पर या बीजेपी की मेहरबानी अजय पर हो, यह सारी चीजें राजनीति में है। लेकिन अजय निषाद का बीजेपी से चले जाना, कांग्रेस में शामिल हो जाना, क्या अजय निषाद अपना जो उनका कोर वोट है वो कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट करा पाएंगे? क्या कांग्रेस को एक बड़ी सियासी जान मिलने वाली है मुजफ्फरपुर से कि अजय निषाद चुनाव में जीत जाएंगे और बीजेपी चुनाव हार जाएगी? मुजफ्फरपुर का जो इलाका है वहां पर सहनी समाज बड़ी संख्या में है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जितनी भी चुनावी रैलियां हुई हैं वो मुजफ्फरपुर के आसपास ज्यादा हुई हैं, ताकि उन पूरे इलाकों के, मिथिलांचल का जो इलाका है, और इधर आप पटना की तरफ से जाते हैं यानी हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, इन सारे इलाकों को जोड़ा जाता है और उन सारे इलाकों के वोटरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अजय निषाद का टिकट कटा, टिकट कटने के बाद वो इंतजार करते रहे और इंतजार अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें बुलाया और वो कांग्रेस में जाकर के शामिल हो गए। तो कांग्रेस में शामिल होने का मतलब मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यही है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। तो अजय निषाद का जो प्रभाव है वो दूसरे लोकसभा में भी हो सकता है, जो सहनी समाज के लोग हैं खासतौर से, उनके साथ भी सहानुभूति निषाद की है। तो हालात ये हो सकता है कि अजय निषाद बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे बिहार में। निषाद मल्ला समाज के लोगों को अपील करेंगे, इसलिए कि वो जब कांग्रेस का दामन थाम रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने हमें धोखा दिया है। धोखे का मतलब यह है कि विश्वास दिलाया कि आपको ये दे देंगे, मंत्री बना देंगे, आपको फिर से टिकट देंगे, लेकिन वो सारे वादे जो है वो हमारे विपरीत चले गए। वादा खिलाफी पीएम ने किया, वादा खिलाफी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, तो बीजेपी के साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस का दामन थाम रहा हूं, ये दलील दिया उन्होंने। तो इस दलील के साथ साथ अजय निषाद ये चाहते हैं कि जो निषाद समाज का एक बड़ा वोट है वो बीजेपी को न मिले, वो प्रधानमंत्री को न मिले। 2014 में मिला, 19 में मिला और 24 में न मिले, इसको लेकर के अजय निषाद जो है वो कोशिश में लग गए। तो अजय निषाद के कांग्रेस में जाने से, बीजेपी का दामन छोड़ देने से बीजेपी को बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस चुनाव में समझिए कि खेल अलग तरीके से खेला जा रहा है। गठबंधन की जो पार्टियां हैं, गठबंधन की जो नेता है, वो अलग अलग तरीके की रणनीति अपना रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अजय निषाद के जाने से बीजेपी को बड़ा सियासी नुकसान बिहार में होने वाला है।